गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रवाद एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो उसमें सिर्फ एक बात डिस्कस की गई है, वो न्यूज़ जो है सो कारगिल दिवस के ऊपर है, 26 जुलाई के बारे में डिस्कस करेंगे और विशेष के अंदर भी बात की गई है इसी के ऊपर, दोनों मिला के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो देश देशांतर के अंदर बात की गई है नेशनल कंपनी के बारे में, अमेंडमेंट बिल के बारे में 2019 के बारे में। नेक्स्ट पॉस्को के बारे में बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर, जिसके बारे में ऑलरेडी हम कल बहुत डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस नहीं करेंगे। और विशेष के अंदर जो बात की गई है वो थोड़ी सी बात की गई है, विशेष नहीं इन डेप्थ के अंदर, वो खेल के बारे में बात की गई है स्पेशल पर्सनैलिटी के ऊपर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जो है हमारे पास वो कारगिल युद्ध के बारे में। अगर कारगिल युद्ध से पहले हम बात करें तो हमने कितने युद्ध लड़े पाकिस्तान से, किसी आंसर्स के अंदर आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। 1947 में आप कह सकते हो 48, दूसरा 1965, तीसरा 1971 जो 1971 में हमने बांग्लादेश से इसको आजाद कराया था। तो ये तीन बातें आप डिकोड कर सकते हो। और जब 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बात को तो आप लोग जान ही रहे होंगे और कल से नॉन स्टॉप चल ही रहा है, लेह का श्रीनगर जोड़ने वाला सड़क पर कब्जा हुआ था। लेह को श्रीनगर से जो जोड़ा जाता है इसको जो इसको कब्जे करने की बात की गई। सर्दियों के दौरान लद्दाख में जरूरी चीजों की आपूर्ति जो होती थी उसकी बात की गई। और मतलब कहने का मतलब घुग्घू घाटी है, एक बाल्टिक है, तुर्की क्षेत्र की पहाड़ियां पर कब्जा कर लिया था। मतलब आप पाकिस्तान वाले ये समझो ऊपर चोटी पर बैठ करके नीचे के लोगों को निशाना बना रहे थे। तो बहुत सारे शौर्य और पराक्रम का यहाँ पे उदय होता है और बहुत सारे नाम है। तो शिमला समझौता को भी इन्होंने उल्लंघन किया, इस पाकिस्तान वालों ने शिमला समझौता हुआ था। अभी दो दिन पहले हमने शिमला समझौता को अच्छे तरह से डिस्कस किया था, अगर आपको रिविजन करना हो तो दो दिन पहले का वीडियो देख सकते हो। अगर और बात करें इसके अंदर तो जाहिर सी बात है लोगों में इनकलकेट करने के लिए, यूथ में इनकलकेट करने के लिए हमारे देश को पता होना चाहिए कितने लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लोगों का, तो हमारे बॉर्डर के रक्षा के लिए। तो इस बात को आप इस तरह से डिकोड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो कंपनी अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। देखो तो ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, हालांकि लोकसभा से ये पास हो गया है, अभी राज्यसभा में पेंडिंग आएगा, वहां फिर डिस्कशन होगी, लेकिन लोकसभा से पास हो गया। तो प्रोविजन जो है इसके जो डायरेक्टर होंगे कंपनी के, इसके डायरेक्टर अगर कोई गलती करते हैं तो इसको सीधा का सीधा जो है सो 5 साल तक जॉब नहीं मिलेगा, पूरा स्ट्रिक्ट लॉ है, कहीं ना कहीं सही है। दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आता है, दूसरा पॉइंट CSR जो अपना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो टर्म है CSR, जो कोई कंपनी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनी है जो इसको पूरा करती है CSR को। मतलब यहाँ पर जो अगर आप पैसा अगर नहीं देते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो हर 3 महीने में इस तरह की बातें होती हैं। अगर खर्च नहीं करते हैं, 6 महीने में आप खर्च नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक 3 साल बाद वो गवर्नमेंट के फंड में चला जाएगा, इस तरह की बातें की गई है। दूसरा क्या है कि ये जो है सो 5 लाख का केस था जो मतलब इजीली सॉल्व होता था, अभी 25 लाख तक का केस जो है एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, शॉर्ट में मतलब आप कह सकते हो कि इजीली सॉल्व हो सकता है। तो एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये जो एनुअल रिटर्न कंपनी वाले भरते हैं, ये एनुअल रिटर्न के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब कोर्ट जाना पड़ता था अगर नहीं भरते थे कोर्ट से, इसको निचले लेवल पर भी सॉल्व किया जा सकता है। कुल मिलाकर के इस बिल की बात अगर की जाए तो ट्रांसपेरेंसी की बात होगी, जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी के लिए ही इस तरह का किया जा रहा है, जो जहां पे लेकुनास है उनको कवर करने की बात की जा रही है, अवेयरनेस लोगों में बढ़े और कंपनी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हमारा भी सोसाइटी के प्रति या देश के प्रति, सिर्फ प्रॉफिट के प्रति ही नहीं, मतलब हर तरह से उन लोगों का भी, जैसे वो कहते हैं ना वो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी तरह यहाँ पे इस जगह पे चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो जितनी चाहे सरकार की सरकारी तंत्र हो, चाहे प्राइवेट हो, हर चीज का रेगुलेशन सही तरीके से होना चाहिए, तभी एक भारत एक सशक्त निर्माण हम लोग कर सकते हैं। आज के न्यूज में इतना ही था, थैंक यू।